हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके कई बार हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि प्रेगनेंसी में लेडीज को क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। तो देखिए, मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले वाटर से। वाटर नेचुरली आप कहेंगे क्या हमें पानी के लिए भी सोचना पड़ता है? यस, क्योंकि कई बार जब लेडीज का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वाटर हार्मोन लेवल ज्यादा होने से, कई बार उसको वोमिटिंग ज्यादा होने से क्या होता है, वाटर लेवल कम हो जाता है, जो कि डायरेक्टली बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और साथ में लेडीज की हेल्थ के ऊपर भी बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्योंकि आप जानते हैं, जब ज्यादा पानी बाहर आ जाएगा तो सारे जो पानी के अंदर डिसॉल्व होके मिनरल्स हैं, आपकी डाइट के कंटेंट्स हैं, वो भी सब बाहर आ जाते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों की हेल्थ के ऊपर होता है। तो आप पानी कैसे लें, इसके लिए पहला तो ये है कि सुबह उठते ही आप जरूर पानी पिए और रात को सोने से पहले भी पानी जरूर पी के सोए। और बाद में जैसे जैसे आप कुछ भी खाते हैं तो उससे पहले आप आधा गिलास, एक गिलास वाटर जरूर लें। उससे हार्मोन लेवल भी सही रहेगा, डाइजेशन भी सही रहेगा और साथ में आप बचे रहेंगे बीपी की प्रॉब्लम से, जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, साथ में यूटीआई इन्फेक्शन, जो वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं। अगर आप वाटर का इनटेक अच्छा रखेंगे तो आपको वेजाइनल इन्फेक्शन से भी बहुत बचाव होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या लें, क्योंकि कुछ केसेस में लेडीज को बहुत ज्यादा भूख लगती है और कई बार भूख बिल्कुल ही नहीं लगती। तो हम क्या लें और कितना लें? देखिए, वैसे तो हम सब गेहूं के आटे की रोटी खाते ही हैं, लेकिन कितना अच्छा हो अगर हम गेहूं के आटे की रोटी को ही थोड़ा सा न्यूट्रिटिव बना दें, चोरी चोरी चुपके चुपके। कैसे कि आप गेहूं के आटे में मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा जौ का आटा और थोड़ा सा काले चने का आटा, जिससे आप देखेंगे आपको भी सारे मिनरल्स और विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी और साथ साथ होने वाला बेबी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सा होगा और नॉट ओनली फिजिकली बल्कि उसका आईक्यू लेवल भी टॉप क्लास का होगा। जब उसको प्रॉपर अमाउंट में आयरन और ब्लड सप्लाई होगी, ऑक्सीजन सप्लाई होगी, तो क्यों नहीं आपका बेबी बहुत अच्छा सा हेल्दी और अच्छे आईक्यू वाला होगा, डेफिनेटली वो होगा। तो आप आटे में चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ ना कुछ मिला दीजिए। ठीक है, आपने अगर डायरेक्ट आटे से दो रोटी खानी है तो आपने अगर बीच में थोड़ा सा काले चने का आटा और जौ का आटा मिला दिया तो आपको उन्हीं दो चपाती से आपको तीन चपाती के जितना बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट में आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्न, जब आपका मन करे नाश्ते में या शाम को रिफ्रेशमेंट जब आप लेते हैं तब आप थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं, जो आपकी फाइबर को और कार्बोहाइड्रेट की इंटेक को कंप्लीट करेगा। इसके साथ अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स में क्या करें? देखो, कई बार तो बहुत अच्छा लगता है दालें खाना, क्योंकि प्रोटीन्स आपको मेनली या तो मिल्क से मिलने वाला है या नॉनवेज से मिलने वाला है या आपको दालों से मिलने वाला है, तो ये चीजें तो आपको जरूर ही लेनी है। तो आप क्या करेंगे, वंस इन ए वाइल अगर आपको दाल कम अच्छी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, वंस इन ए वाइल
पंचरंगा दाल बना सकते हैं, जिसमें आप पांच डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की दाल, जैसे थोड़ी सी मूंग की दाल, थोड़ी सी हरी दाल, थोड़ी सी पीली दाल और व्हाइट दाल उड़द की, थोड़ी सी काली दाल और थोड़ी सी लाल दाल या मसर की दाल, कोई सी भी दाल मिला के पंचरंगा या सतरंगा दाल बना सकते हैं। तो उसमें आपको एक कटोरी में ही मिलने वाला है बहुत सारी दालों का इफेक्ट। और अगर आपको दाल वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है, आपका मन कर रहा है, तो फिर आप सातों को मिला के खाने की जगह रोज एक कटोरी दाल खाइए, कौन मना कर रहा है। और उससे आपका और बेबी का जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा, क्योंकि जब बेबी ग्रो करता है तो उसको मेजर अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है और साथ में मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन को आप क्या कर सकते हैं, दालों से दे सकते हैं। और साथ में आप अब बात करेंगे कि प्रोटीन्स के बाद फैट हम कितना लें। फैट भी बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में, जीरो फिगर को कंसीडर करते हुए बहुत सारी लेडीज फैट को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देती हैं, माइनस कर देती हैं अपने डाइट से। तो ऐसा उनके लिए गलत है, क्योंकि कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो कि डिसॉल्व ही फैट में होते हैं, मतलब जो आपके घी, तेल, बटर ये है उसी में डिसॉल्व होते हैं। और अगर आप उसका इनटेक बिल्कुल बंद कर दोगे तो आपको उन विटामिन्स की कमी होने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स ऐसे हैं जो कि आपको आसानी से वाटर सॉल्युबल फॉर्म में मिलते हैं। तो आपने फैट का, घी का यानी कि और जो मक्खन है, तेल है, इसका कंज्यूमशन बंद नहीं करना है, आप चाहें तो थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है वेजिटेबल्स की, हम कौन सी वेजिटेबल्स लें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आपके मन को, आपके टेस्ट को अच्छी लगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर हम बेबी की हेल्थ की तरफ रख लें तो कितना अच्छा हो कि हम अपने ही स्वाद में थोड़ा सा स्वाद मिला दें बेबी की हेल्थ का। तो आपने क्या करना है, अगर आपको सपोज आलू ही अच्छे लगते हैं तो आप आलू में थोड़े थोड़े से और सब्जियां, जैसे कि ब्रोकली है, जैसे कि और बीन्स है, आप इनको मिक्स कर सकते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल को लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कैसे, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपका स्पिनेच है यानी कि पालक, यानी कि सरसों, धनिया, पुदीना, इनको आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपको वैसे पालक अच्छी नहीं लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, पालक को बॉईल करके, मैश करके, जो आपने मिक्स ग्रेन का आटा लगाया है चपाती के लिए, आप उसमें थोड़ी सी पालक भी मिला दीजिए। तो चोरी चोरी, चुपके चुपके आपके पास पालक का असर भी आने वाला है। और पालक आपके लिए प्लस आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप कच्ची चार पांच पत्तियां खा लें डेली तो एनीमिया के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि बेबी को आयरन के लिए बहुत ज्यादा चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। तो आपने क्या करना है, पालक के थ्रू उसको आयरन देना है। वैसे तो जो डॉक्टर्स हैं वो आपको जरूर लिख के ही देते हैं कि आप ये फोलिक एसिड और ये आयरन, ये कैल्शियम लीजिए, वो सप्लीमेंट जरूरी है, वो आपने लेने हैं। लेकिन आप अगर नेचुरल वे में ये सब लेते रहेंगे तो जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि जब डॉक्टर्स आपको ये सप्लीमेंट देते हैं तो साथ साथ आपको कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो अगर आप नेचुरल वे में सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स ले रहे हैं तो आपकी डिपेंडेंसी जो सप्लीमेंट्स पे है वो खत्म हो जाती है। तो वेजिटेबल्स में ध्यान रखें, सारी सीजनल वेजिटेबल्स आपने लेनी है, लेकिन उसमें आपने जरूर थोड़ा सा लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है। अब बात आती है डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स जो हम हमारे घरों में डेली आते ही हैं, जैसे दूध। दूध का इंटेक प्रेग्नेंट लेडी को पहले से डबल करना है।
आप पहले अगर एक कप लेते थे तो अब दो कप लीजिए, और अगर दो कप लेते थे तो तीन या चार कप लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाकी सारी डाइट मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप डबल कर दीजिए। ये हमारा एक मिथ होता है कि अब आप डबल हैं तो आपने डबल डाइट लेनी है। बेबी को उतने डाइट की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो डाइट का एक्सट्रैक्ट है, जो आप एसिमिलेट करते हो डाइट में से, बेबी को उसकी जरूरत होती है, और बेबी उससे अपने आप को 24/7 ग्रो करता है। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, दूध, दही, छाछ, पनीर या इन दूध से बनी हुई मिठाई, कुछ भी डेली उसमें ले सकते हैं। अब मैंने आपको कहा दूध, तो दूध आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा और वाटर लेवल को भी बहुत अच्छा रखने वाला है। और चाहे तो आप दूध में कोई प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन एक्स है या कुछ भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, तो उससे आपकी प्रोटीन की डाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बच्चे के लिए तो वो बहुत अच्छी रहने वाली ही है। अब हम क्या देखेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद सबसे बड़ी बात आती है मिनरल्स की, क्योंकि बच्चे को ग्रो करने के लिए मिनरल्स भी इक्वली गुड क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो आप मिनरल्स का कंज्यूमशन जो है वो प्रॉपर करिए। इसके लिए आप सब्जी में नमक पूरा डालिए, और बिल्कुल जो बिस्लरी के वाटर को भी एक तरह से बहुत ज्यादा आरओ का वाटर टीडीएस कम करके लेते हैं वो नुकसान देता है। तो आपने आरओ का वाटर तो लेना है, लेकिन उसके अंदर आपने देखना है कि टीडीएस बहुत कम ना हो, वो आपके लिए और आपके बेबी के लिए दोनों के लिए नुकसान करने वाला है। तो मिनरल्स में जो बेस्ट होता है वो होता है बनाना। आप एक बनाना डेली लीजिए, और अगर जैसे हमारे इंडिया में मिथ है कि भाई एक बनाना नहीं लेना, यानी कि एक केला नहीं खाना, दो खाने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों केले में से हाफ ले सकते हैं और हाफ अपने पार्टनर को खिलाइए। तो उससे क्या होगा, पार्टनर की भी ग्रोथ अच्छी होगी, यानी कि उनका भी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपके और आपके बेबी की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो केले को तो आपने इंक्लूड करना ही है। और मिनरल्स के लिए आप चाहें तो नारियल पानी और नींबू पानी वंस इन ए डे या ट्वाइस इन ए डे आप ले सकते हैं, दिन में एक बार या दो बार, इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे। इससे फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अपने बीपी के ऊपर आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल और चेक रखना है, आपने उसको टाइम टू टाइम मेजर करना है, और आप देखेंगे अगर बीपी आपका इंक्रीज होता है तो फिर आपने मिनरल्स के या जो आप सॉल्ट ले रहे हैं इसकी क्वांटिटी को आपने कम करना है। साथ ही अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने शुगर लेवल को भी क्या करना है, कम रखना है। अब साथ ही आप ले सकते हैं टोमेटो सूप, आप चाहें तो इवनिंग में आप एक कप टोमेटो सूप लीजिए, नहीं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स्ड वेजिटेबल सूप या फिर कॉर्न सूप भी एंजॉय कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में आप भीगे हुए 5 से 7 बादाम, भीगी हुई किशमिश और भीगे हुए 2 अखरोट आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बादाम और अखरोट आपने बिना छीले ही भिगोने हैं, और जब वो भीग जाएं उसके बाद आपने अखरोट को तोड़ना है, ताकि आपको ड्राई फ्रूट्स की जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड वो आपको मिल सके। और अगर आप छिले हुए अखरोट को या छिले हुए बादाम को भिगोते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। बात आती है फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स आपके लिए, सारे फ्रूट्स मतलब A to Z फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं। तो फिर आपका डाउट सीधा उठेगा, क्या हम पपाया और पाइनएप्पल भी ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। अगर आप कच्चा पपाया
ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं या पाइनएप्पल आप ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर आप 1-2 स्लाइस पपाया की या एक स्लाइस पाइनएप्पल की वंस इन ए व्हाइल लेते हैं तो इट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि उनमें भी कुछ ना कुछ तो आपके लिए अच्छा ही है। अब साथ में कुछ डाउट होता है, क्या हम मैंगो ले सकते हैं? यस, मैंगो भी आप ले सकते हैं। आम खाना किसे अच्छा नहीं लगता, और आपके बेबी का मन भी तो करता ही होगा ना कि मैं भी आम खाऊं, तो इसीलिए अपने बच्चे को और अपने आप को आम जरूर खिलाइए। लेकिन ध्यान रहे, आम आपने खाली पेट नहीं लेना है, ना ही कोई फ्रूट आपने बिल्कुल खाली पेट लेना है। सुबह आपने कुछ खा लिया, उसके बाद आप 11 बजे के आसपास फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर दोपहर को आपने लंच किया तो आप 3-4 बजे या 5 बजे के आसपास आप फ्रूट्स ले सकते हैं। और कोशिश करिए दिन में 2 या 3 फ्रूट मिनिमम आपने लेने हैं, जो भी सीजनल है कोशिश करके सीजनल फ्रूट लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा फ्रेश होते हैं और साथ में उनके ऊपर प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। और ये जो प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं इनको कम से कम लीजिए, यानी कि जो प्रिजर्व करके फ्रूट आपके पास आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं इस फ्रूट की चटनी या इस फ्रूट की जेली या इस फ्रूट का जैम कंज्यूम कर रही हूँ, तो उसमें इक्वली प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो आपने उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो अब आपने देखा, आपने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, आपने विटामिन्स ले लिए, आपने साथ में प्रोटीन्स ले लिए, आपने मिनरल ले लिया, आपने वाटर ले लिया, तो व्हाट एल्स? ओनली थिंग इज दैट कि आपका टेस्ट, तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो आप होममेड हल्का सा जंक फूड ले सकते हैं जो आपको और आपके बेबी को अच्छा लगे। अगर आपका मन पकोड़े खाने का करता है तो आप कोशिश करिए काले चने के आटे के पकोड़े बनाइए बेसन की जगह, वो हेल्दी भी होंगे, और साथ में उसमें वेजिटेबल या पनीर फिल करिए, तो आपके मुंह का टेस्ट भी अच्छा रहेगा और साथ में न्यूट्रिशन भी आपको पूरा मिलेगा। इसी तरह से जो भी आप हल्का सा जंक फूड लेना चाहती हैं वंस या ट्वाइस इन ए वीक, तो आप उसको कोशिश करके घर बनाइए। अपने मन को और अपने बेबी के मन को खराब मत करिए, जरूर लीजिए। तो आई विल विश हैप्पी प्रेगनेंसी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।